तीन बातें हमेशा याद होनी चाहिए जो डिवाइड पहली बार उसके बाद उस वायर को आपको इस शेप में किसी सिलेंडर ऑफ टन मैं ऐसे बोलूंगा हर्षिता टू के टेबल में आते हो या तो 5 के टेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है अगर नहीं है तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा एक्चुअली क्या है हमेशा पर एक्चुअली में ना ये ऐसे होता है क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या कि दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं अपनी मर्जी से जनरली जो हम लेते हैं क्या क्या लेते हैं एक एबीसी और एक पीक्यूआर तो एक ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं और एक ट्राइंगल पीक्यूआर ले लेते हैं ठीक है गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है अगर आप कभी भी समझोगे नहीं ना तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन को टच भी नहीं करोगे गिवन क्या है और क्या आपने प्रूफ करें देखो सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी आपके पास क्या है गिवन दे रखा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी हैं और मीडियंस की बात की गई है तो मीडियंस आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे एडी ले लूँ और यहाँ पे मैं पीएम कर दूँ तो मीडियन पता है आपको कि थर्ड साइड को क्या करती है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है बाइसेक्ट करती है ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा हुआ है तो गिवन में आपके पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है सिमिलर है और ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है ये पॉइंट्स और टू प्रूव में है आपके पास कि एरिया ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब दोनों के एरिया की रेशियो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर इनकी एरिया की जो रेशियो है वो जनरली क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है बट इस क्वेश्चन में जो लास्ट वर्ड है उससे थ्योरम और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है इस बार हमें मीडियन के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन एडी और पीएम के होल स्क्वायर के इक्वल दिखाना है ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं का याद हो अगर जो बच्चा बिल्कुल सीरियसली इस चैप्टर पर ध्यान दे रहा है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है और कहाँ पर कौन सी चीज़ से कैसे रिलेट करना है किसी दूसरे क्वेश्चन को तो कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या हमने कभी सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल किया है किसी क्वेश्चन में कभी भी मतलब प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किसी को याद है ऐसा कुछ अरे इतने सारे बच्चे हो यार अगर 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 थोड़ा सा याद हो तो 6.3 का जरा लास्ट क्वेश्चन उठा के देख लो 6.3 का जरा लास्ट क्वेश्चन उठा के देख लेना आराम से समझ आ जाएगा तो सेम वही पैटर्न करना है क्या करना है कि मुझे ये पता है कि ये दो बड़े ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं मेरे पास तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं दो ट्राइंगल्स सिमिलर तो छह बातें आपको वो पता होनी चाहिए तीन साइड्स का रिलेशन और तीन एंगल्स का ठीक है तो और एक एरिया की भी बात कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर तो दोनों के एरिया की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है तो मतलब मैं ए बी अपॉन में पी क्यू के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और रीज़न क्या दूंगा बाय ए पी डी थ्योरम एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको बैठ जाएंगे हम क्लियर है यहाँ तक कि इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने इसको टारगेट क्या है कि मुझे ना इन दोनों की एरिया की रेशियो का मीडियन के इक्वल दिखाना है
यानी कि मैं कैसे भी करके ए बी और पी क्यू को अगर मैं ए डी और पी एम के रेशियो के इक्वल दिखा दूँ तो मैं ए बी और पी क्यू की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए डी और पी एम। तो ए बी और ए डी की रेशियो, ए बी और ए डी की रेशियो, पी एम और पी क्यू और पी एम की रेशियो, ये तभी पॉसिबल है जब हम ये दो छोटे वाले ट्राइंगल्स को क्या कर दें, सिमिलर कर दें। क्या कर दें, दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें। तो अगर ये चीज़ अगर आप कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन फिर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक तो एरिया वाली बात हम लिख सकते हैं, दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं वो जरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, वो आप जरा ध्यान से देखो। क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के भी इक्वल होगा। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो एंगल बी जो होगा क्यू के भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय सी पी एस टी, ये पहले से ही मैं बना के रख ले रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, ये अभी काम आएगा जब छोटे दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करूँगा। ओके फाइन, ये पहले से समझ गए हम क्यों इक्वल है। देन ये भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा और बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। और आपको पता है कि ए डी और पी एम जो है वो मीडियंस हैं, मीडियंस हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे अगर इन दोनों का हाफ कर दूँ, इन दोनों का हाफ कर दूँ बिकॉज ऑफ मीडियन, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा ना क्यू एम। तो ये तो आएगा बाय सी पी एस टी, एस ये नीचे नहीं आ पा रहा है इसमें, अच्छा 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 तो बहुत ये पार्ट नहीं आ रहा है, अच्छा इसके नीचे नहीं आ पाएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ तो ये आप लिख सकते हो बाई सी पी एस टी से, ठीक है। अब आपको पता है कि मीडियंस हैं, तो मीडियंस हैं तो फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि ए बी जो है वो पी क्यू के बिल्कुल इक्वल्स रहेगा, और अगर हाफ ऑफ बी सी कर दिया जाए और हाफ ऑफ क्यू आर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, और हाफ ऑफ क्यू आर हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन में क्यू एम। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में ना रीज़न दोगे क्या कि ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस, ठीक है, ये दोनों हमारे मीडियंस थे इसलिए हम उसका हाफ कर सकते हैं, और हाफ करके ये रिजल्ट आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बना के बैठ जाओ, ठीक है। अब आपको लगभग क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अब क्या करना है, इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए क्यू एम, एक रीज़न तो आपका ये आ जाएगा कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम आ गया, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी इक्वल्स टू क्यू एम आ गया। ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, पी क्यू एम, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक रीज़न आ गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आ गया। अब देखो दो साइड्स और एक एंगल कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, दोनों साइड एंगल साइड से, तो ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया पी क्यू एम के बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस ए एस आपका ये सिमिलर हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, जब ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आपको क्या पता है कि मैं बाई सी पी एस टी में क्या क्या लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा और साथ में क्या होगा ए डी अपॉन में पी एम भी लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फोर्थ बना दो। और कुछ नहीं करना आपने, आपने सीधा क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड फोर्थ, जरा दोनों इक्वेशंस को आप बहुत ध्यान से देख लो, इक्वेशन नंबर वन में क्या है, एरिया की रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल था, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी वाला इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे ये पार्ट भी लिख सकता हूँ, तो आ गया मेरा आंसर सीधा। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम का होल स्क्वायर, ठीक है, वहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा फाइनल आंसर प्रूफ हो गया।
देखो टारगेट अगर बच्चे को पता है, अब आपको है ना अगर दो ट्राइंगल सिमिलर बोला जाए तो आपके माइंड में तीन बातें याद होनी चाहिए। पहली बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल वर्ड बोल देंगे वहां पर, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और तीसरी बात की अगर एरिया की एरिया मतलब ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस, आपको इसकी फोटो मिल जाएगी, आप आराम से यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को थ्योरम और इसमें कन्फ्यूज़ करना है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की स्टार्टिंग की बातें पढ़ लेता है, लास्ट की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। जनरली यही होता है कि हम लास्ट की बातों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, अरे बिल्कुल सेम टू सेम है, ये थ्योरम है, बस इतना जज करते हैं हम और जज करके थ्योरम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको वहाँ पे मार्क्स जो हैं वो पूरे जीरो मिलेंगे, क्योंकि वो थ्योरम टोटली अलग है, ये क्वेश्चन टोटली अलग है। इसमें मीडियन के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है, वहाँ पे आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल दिखाना है, तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कर लिया सभी ने? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पहले आप जाने से पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान रख लें कि अभी मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड, देखते हैं कितनी नॉलेज आपके पास अभी तक की प्रीवियस क्लास की है। प्रीवियस क्लास भी मैंने बोला यानी कि 9th में भी आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कुछ चीज़ें तो हमारी पुरानी काम आती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले एंट्री करने से पहले एक जरा ध्यान से क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड फ्रॉम वन ऑफ इट्स डायगनल। इस पूरे क्वेश्चन में आपको तीन बातें समझ आ गई होंगी। क्या बोला गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की रेशियो के बारे में कोई बात हो रही है तो आप पहले ये बताओ कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे क्या? यस एंड नो, जल्दी से बताइए कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे हम? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, मतलब बच्चों के पास? अच्छा आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा नहीं करेंगे, उसका नो था ये, ठीक है बिल्कुल नो। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बताया अंशिका आपने, कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स में क्या क्या लिखवाया है, All equilateral triangles are similar, all squares are similar, और circles are similar. मतलब तो equilateral triangle को हमें कोई similar करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि यार एक square word आ रहा है, और क्या बोला है? एक square है, उसके side से बनने वाला triangle, उसके क्या बोला है कि equilateral described on one side of a square of the, तो उसके साइड से बनने वाला ट्राइंगल,
ये लो मैंने उसकी साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, उसका एरिया हाफ है किसके एरिया के, एक डायगोनल से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से। फिगर बहुत परफेक्ट बनती है और अच्छी लगती है। ये ध्यान से जरा इसकी फिगर को पहले नोट करें बच्चे, ठीक है। एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था जो उसकी साइड से बनता हो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके डायगोनल से बनता हो। ये जरा अच्छे से पहले नोट समझे थे और आप भी ड्रॉ कर लो पहले से, ठीक है। अब मैं नेमिंग कर लेता हूँ, नेमिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेशन भी समझ आएगा। नेमिंग में मैं करता हूँ यहाँ पे ए बी, इधर सी और इधर डी, यानी ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर हो गया हमारा। इसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं हम ई और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। अब क्लियर क्या है कि जो साइड से बन रहा है ट्राइंगल उसका एरिया डायगनल से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया के हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रिंटेड बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम्स में प्रिंटेड क्वेश्चन आया हुआ था, 2018 की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन था, ऑप्शन था वहाँ पे, वो करो या थ्योरम करो, तो सब बच्चों ने थ्योरम ही करी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन में आपके पास सबसे पहले तीन पॉइंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट गिवन है। पहला पॉइंट क्लियरली दिख रहा है क्या कि ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज भी यहां पे क्लिक होनी चाहिए, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लिक होनी चाहिए कि क्या क्या होती है स्क्वायर के बारे में। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाईसेक्ट ईच एट 90 डिग्री, और क्या होता है हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ डायगनल्स इक्वल, हाँ दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं, बाईसेक्ट ईच अदर, हाँ जी हाँ कहीं से भी बना दो। मैं नीचे से भी ट्रायंगल बना सकता था, मैं यहाँ पे नीचे किसी भी साइड से बनाने के लिए बोल, हाँ चेंज हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बना लेते कोई दिक्कत नहीं था, नीचे से इधर से ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस वाले डायगनल से ऐसे, कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। मैं नीचे बनाता तो फिर मुझे लिखने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने ऊपर और साइड जहाँ मुझे यूज़ नहीं है उधर ही मैंने बना दिया, ठीक है। बोर्ड का यूज़ थोड़ा हो जाएगा मेरा अच्छे से। तो एक तो ये आ गया कि ए बी सी डी क्या हमारे पास स्क्वायर है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो किससे बना है, साइड बी सी से, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ई सी डिस्क्राइब फ्रॉम साइड ऑफ अ स्क्वायर बी सी, वो किससे डिस्क्राइब हुआ है, साइड ऑफ अ स्क्वायर बी सी से बना है। और तीसरा पॉइंट ठीक ऐसे ही कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ए एफ सी, ए एफ सी जो है वो किससे डिस्क्राइब हुआ है, फ्रॉम डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, कौन सा है डायगनल इसका, ए सी, ठीक है। तो ये गिवन के पॉइंट्स हो गए हमारे। और टू प्रूफ में क्या करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टू प्रूफ में करना है कि जो साइड से बन रहा है ट्राइंगल उसका एरिया डायगनल से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। तो कौन सा एरिया पहले आएगा, साइड वाला, ठीक है। साइड वाला जो ट्राइंगल है, साइड से बनने वाला ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ बी ई सी जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ जो डायगनल से बन रहा है मतलब ए एफ सी के हाफ है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रूफ पे कि प्रूफ क्या करें। देखो आप एक चीज़ समझो कि दोनों के एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है मतलब एरिया से पहले थोड़ा सा चले जाओ कहाँ पे, दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर दोनों सिमिलर होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो को हम लिख सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
इस वाले ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली BC, और इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी? AC. क्या AC और BC में कोई रिलेशन होता है? कभी किसी बच्चे ने पढ़ा है? डायगनल ऑफ ए स्क्वायर का साइड ऑफ ए स्क्वायर से क्या रिलेशन होता है? कौन बच्चा बताएगा यार, टेंथ में आ गया आप सब? बिल्कुल, क्या डायरेक्ट रिलेशन कौन बताएगा? बिल्कुल सही बताया, पाइथागोरस यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं कि यस मान्या, रूट टू साइड, बिल्कुल सही। डायगनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम कि डायगनल जो होता है, डायगनल ऑफ ए स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट टू मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला, ये प्रूफ हो जाएगा अभी देखना तुम। ये अभी मैं तो पाइथागोरस लगा के दिखाऊंगा, बट ये डायरेक्ट यूज करने के लिए भी आप लोग याद रखना कि ये एक फॉर्मूला है डायगनल ऑफ ए स्क्वायर निकालने का। ये पता है कौन से उसमें बड़ा यूजफुल होगा? 12 चैप्टर में। जब 12 चैप्टर में आओगे और किसी भी स्क्वायर का डायगनल निकालना हो तो आपको आंसर खुद ही पता है। जस्ट लाइक मान लो कि अगर मैंने एक स्क्वायर ले लिया 40 मीटर का, इधर भी 40 मीटर, 40 मीटर और इधर भी 40 मीटर, और मैं बोल दूं कि यार जरा डायगनल की वैल्यू निकालो, एक बच्चा क्या करेगा? पाइथागोरस लगा के बताएगा, दूसरा बच्चा सीधा बोल देगा सर 40 रूट टू आंसर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक बच्चा डायरेक्ट बोल देगा 40 रूट टू है। समझ आ रही है ना बातें? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस क्यों लग रहा है? क्योंकि स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल क्या होगा? और अगर स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल भी होंगी। तो अगर मैं सारी साइड्स को इनके एल ऐड कर लूं, स्मॉल ए दे दिया मैंने, तो देखते हैं डायगनल क्या आता है। तो हमें क्या करना है कि सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, तो एंगल जो होगा वो कौन सा? ए बी सी जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। राइट एंगल दिखाने की नीड है, ये 90 डिग्री होगा, सबको पता है, ठीक है। एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, क्लियर हो गई बात। अच्छा, लेट ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सारे के सारे, लेट नहीं, पहले तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। बात समझ में आई? एंगल 90 होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब इन सारी साइड्स को यार क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कुछ, लेट ए बी बी सी सी डी और ए डी को हम ए यूनिट्स लेट कर लेते हैं, ए यूनिट्स, स्मॉल ए यूनिट्स मैंने लेट कर लिया है, क्लियर होगी बात। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी के अंदर, क्योंकि वो राइट एंगल वाला ट्राइंगल हो जाएगा, 90 डिग्री बनी रहा है हमारा, यूजिंग पाइथागोरस आप यहाँ पे यूज करोगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए सी का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ए बी की वैल्यू कितनी है? अभी अभी हमने ए यूनिट्स लेड किया है, ए बी की वैल्यू ए यूनिट्स लेड किया है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो ताकि कहाँ से आया तो लिख भी दो, ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू भी कितनी लोगे आप? ए ही लोगे, क्योंकि वहाँ भी ए ही है। यहाँ रीजन दे दो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से मुझे ये स्क्वायर हटाना है, 2 तो किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो ए सी क्या हो जाएगा? रूट 2a, ए स्क्वायर का तो a हो जाएगा। तो ए सी मतलब आपके पास आपके डायगनल की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2a, क्या आ गई? AC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट टू है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के बैठ जाओ। अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लूँ, इनके एरिया की रेशियो का कॉरस्पॉन्डिंग वाली बात याद रखूँ, तो मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए। अब मुझे क्या, मुझे BC की वैल्यू भी पता है और AC की भी वैल्यू पता है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको एक चीज लिखवाया था कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल बी ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल
AFC, ठीक है, रीजन में क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि हर एक एंगल क्या होता है हमारा उसका, आप यहां पे ये भी लिख दो कि बाय डबल ए, हर एक एंगल 60 डिग्री का ही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री होता है तो बाय डबल ए से हो जाएगा और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते ही हैं। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं आपके पास, तो आपके माइंड में कौन सी बात, एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाली, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो इनके एरिया की रेशियो यानी एरिया ऑफ BEC अपॉन में एरिया ऑफ AFC और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी जिनकी हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। BEC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी ले लें हम, BC ले लेते हैं, और इसकी कितनी है AC बाय APD थ्योरम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू A और AC की वैल्यू √2A, और ये चीज़ है ना आप बार बार जरा लिख के चलना क्योंकि ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये बार बार लेफ्ट साइड वाला भी पोर्शन उतारोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, A से A कैंसिल हो जाएगा अंदर ही अंदर, A से A कैंसिल, तो 1/√2 बचेगा, या अगर कैंसिल यहाँ नहीं कराना, यहाँ चलो वैल्यू हमने पुट करी है, हम इसको अच्छे से थोड़ा शो ऑफ कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या आएगा, a² / 2a² यही तो आएगा। अब a² से a² कैंसिल, वहाँ बचा हाफ, तो एरिया ऑफ BEC जो होगा इस हाफ के पास, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, आप कोई भी प्रूफ करते हो ना तो आप एक चीज़ ये माइंड में रखा करो कि हमने जो भी चीज़ प्रूफ करी है ना कहीं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ में भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ जाए, सपोज दैट 2 नंबर में आ जाए और ये वैल्यूज़ गिवन हो 10 सेंटीमीटर 10 10 10, ये पता हो आपको, और 2 नंबर का क्वेश्चन है बस, ये वैल्यूज़ पता है 10 10 10, और आपके पास ये आ जाए कि जरा आप ये बताओ कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना जो मैंने बात बोली है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो AFC है उसकी वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर² है, कितनी है 20 सेंटीमीटर² AFC की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो, देख लो पहले अच्छे से, टेन हो जाएगी, समझ आ रही है ना बात। इसकी वैल्यू अगर आपकी, मैंने कहा बड़ी है, मतलब कोई कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने 20 बोला तो इसकी ऑब्वियस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये डबल होता है ना एक तरीके से, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है क्या, कि ये वाला साफ दिख नहीं रहा आपको पिक्चर से भी, क्या दिख रहा है कि ये वाला एरिया डायगनल वाला क्या है, बड़ा है, और स्क्वायर की साइड से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया छोटा है, तो क्लियरली है कि अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10। ये 1 से 2 नंबर में भी आता है बच्चों, तो आप अगर ये 1 से 2 नंबर में आएगा तो आपने इतना कुछ नहीं करना है, तब आप डायरेक्टली क्विकली, सिंस ABCD इज ए स्क्वायर तो डायगनल वाला का हिसाब से सीधा ये वाली वैल्यू लिख देना, √2a होता है, और फिर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो फिर ये वाला पोर्शन करके बस ये बात दिखा के वैल्यूज पुट करके आंसर ले आना, समझ आई बात। 2 नंबर में अगर आता है तो है ऐसा क्वेश्चन, मैं कभी आपको करवा भी दूंगा, RD शर्मा में गिवन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, हाँ वो देखने में टिक द करेक्ट है, सिर्फ उनको करना है। मुदित ओके उतार लिया मुझे, इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 को जरा रीड करो, क्या MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? अगर ये MCQ में क्वेश्चन है, अक्षत कह रहा बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, जरा इसकी फिगर ड्रॉ करो अक्षत फिर, ठीक है? अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 के यहाँ पे बाय डबल ए लिखा है, बाय डबल ए, और साथ में लिखा है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है? दोनों बातें लिख दी हैं, बाय डबल ए एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बना लिया, ओके। एक बार जरा ग्रुप में सेंड कर देना, मैं देखता हूँ। कोई नहीं, अभी ऑन कर देते हैं। इस बार भी एक नंबर में क्वेश्चन आया था, इस वाली एक साइज पे बेस्ड। इस बार भी 2020 में एक नंबर का क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर नाइन के जैसा ही था वो। तो जरा हाँ, नहीं थोड़ा सा गलत बनाया। देखो यहाँ पे क्या है कि ABC एंड BDE आर द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BD। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बना देंगे। 90% बच्चे दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाएंगे, बट एक बार ये नहीं पढ़ेंगे कि दोनों ट्राइंगल में एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा? बी है ना, दोनों में बी पॉइंट आ रहा है। तो यार बी अगर दोनों में आ रहा है तो फिर हम अलग क्यों जा रहे हैं? तो एक जरा ध्यान से देखो कि आपने करना क्या है। आपने एक ABC पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है, AB और C, फिर आगे बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप कर दो यहाँ पे D को D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आपको एक और ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है जिसका नाम क्या है, BD। तो B एरा, D एरा, E कहाँ पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक यहाँ पे E पॉइंट ज्वाइन कर दो, बन गया। समझ आ रही है बात? दो डिफरेंट ट्राइंगल्स नहीं बनाने हैं, एक ही ट्राइंगल में हो गया काम। अब आपके पास क्या है कि आपको है ना इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है, बड़े वाले ट्राइंगल्स की और छोटे वाले ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है। तो यानी कि सिंपल सी बात तो ये कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, यानी सिमिलर करने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधा लिख देंगे कि बाई डबल ए से सिमिलर हो गए। अच्छा जी, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को तो लेना पड़ेगा ना, बट तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखेंगे कि अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है तो BD इज द हाफ ऑफ BC। आगे BD की वैल्यू BC के टर्म्स में वहाँ वो पुट कर देंगे, कहाँ पे? हाँ वो मीडियन है। अच्छा वैसे वाला कि ये वाला ये इक्वल्स टू ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये से D की ज्वाइनिंग की जरूरत है, नीड नहीं है ना हमारे पास। तो आपने क्या लिखना है गिवन में, ABC एंड BDE आर द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और टू फाइंड में क्या आपके पास एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BD, दोनों की एरिया की रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि अगर दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो वो ऑलरेडी सिमिलर होंगे। तो आप सीधा लिख दोगे कि सिंस ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, और कैसे होते हैं, तो बाय डबल ए से होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि 60-60 आपका
दोनों के अंदर ही आएगा। अच्छा, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया, एरिया का क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी पहले लिख लो, फिर आप एरिया ऑफ बी डी ई लिख दो, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो आप, तो इस वाले की आप ले लो बी सी और इसकी ले लो आप बी डी, का स्क्वायर इक्वल होगा बाय ए पी टी। ये क्वेश्चन एक नंबर का, इसलिए मैंने ज़्यादा मीडियन मीडियन के बारे में डिटेल्स में नहीं कराया। बिल्कुल सही है, 4:1 ट्राइंगल बड़ा वाला पहले है तो 4:1 बिल्कुल सही है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया बी डी ई जो है ऐसी रखेंगे, और यहाँ पे देखो आप बी सी इज डी इज द मिड पॉइंट है ना, तो आप इसको तो बिल्कुल एज इट इज रख लो, बी डी को क्या लिख सकते हो हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, बी डी इज द हाफ ऑफ बी सी, ब्रैकेट में रीजन दे दो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज द हाफ ऑफ बी सी, ये आएगा। अब आपको पता है यार बी सी से बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1/1/2 है, 1/1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया बी डी ई, और ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर इसके स्क्वायरिंग को करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बॉक्स में कर देता हूँ मैं फाइनली, कि एरिया ए बी सी, ठीक है, रेशियो एरिया बी डी ई इक्वल्स टू 4:1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 by 1, मतलब 4:1 आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इस बार एक एक नंबर में कोई MCQ नहीं है, सॉल्व करके ही दिखाना है आपने। ये सारी बातें जरा अपनी माइंड में अभी से रखोगे ना, तो प्रैक्टिस भी करते होगे कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इस बार कितने हैं, 32 क्वेश्चंस आएंगे, 32 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना, उन्हीं से पास हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। मुदित, इसके बाद आपकी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम, और आपको पता है कि इस बार आपकी दो ही थ्योरम्स आएगी, एक बीपीटी और एक पाइथागोरस। बीपीटी करवा चुका हूँ, पाइथागोरस की प्रैक्टिस और कर लेंगे बढ़िया से, मतलब हमारा ही थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब उन दोनों थ्योरम्स को आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। वाओ, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स की रेशियो दे रखी है और हमें एरिया की रेशियो निकालनी है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है कि साइड्स की रेशियो गिवन है, यानी आपके पास अगर आप लेट कर लो यार दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज करो ए बी सी और पी क्यू आर, हम जनरली यही नाम ले लेते हैं, और दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स की रेशियो गिवन है, ठीक है, आप गिवन में लिख लो क्या पहले पॉइंट में कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये गिवन है आपके पास, और दोनों के साइड्स की रेशियो गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, साइड्स मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई सी भी ले लो, ए बी बाय पी क्यू की कितनी दे रखी है रेशियो 4:9, मतलब आपको साइड्स की रेशियो है, मैं रेशियो फॉर्म में लिख देता हूँ 4:9, यही तो है, ये गिवन है आपके पास, और एरिया की रेशियो निकालनी है टू फाइंड में, क्या है आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का क्या रेशियो होगा। सिंपल सा है एक मार्क्स के लिए कि
सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे, गिवन है आपके पास ये, तो उनके एरिया की रेशियो हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और ए बी बाय पी क्यू क्या होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, बाय ए पी टी वैल्यूज पुट कर लो, ए बी और पी क्यू की एक तरीके से ये रेशियो के फॉर्म में है, मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ए बी और पी क्यू 4/9 है, तो आप यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दो, 16/81, मतलब 16:81 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल ही रहा होगा, है ना, तो आप डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। एक नंबर के क्वेश्चन को इतना ही हमें वैल्यू देना है, मार्क्स हमें ए पी टी की थ्योरम का यूज़ करने के लिए मिलेगा और लास्ट फाइनल आंसर मैच हो जाता है तो उसके मार्क्स हमें पूरे फुल मिलते हैं। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाली एक्सरसाइज, इसकी थ्योरम छोड़ के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। बट आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इसका एक एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9 इस पे आप 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, बिल्कुल जी, ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं तो इस एक्सरसाइज को 6.2 मत करो, 6.3 प्रैक्टिस मत करो, मगर 6.4 जरूर करो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो आपकी यहीं पे पूरी कंप्लीट होती है। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे लगा दिया था। बस एग्जांपल नंबर 9 कराऊंगा मैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से एग्जांपल नंबर 9 को देख लो ताकि चीज़ें अभी फिनिश हो जाएं तो बढ़िया है, उससे रिलेटेड वाली चीज़। ये वाला कर लिया सभी ने? एग्जाम्पल नंबर 9 जरा देख लेना अच्छे से, ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन के लिए फिगर ऑलरेडी गिवन होगी एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो, ए सी बी और एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास फिगर है, ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। अब आप एक चीज़ जरा रीड करो क्वेश्चन को, तो गिवन के आपके पॉइंट्स क्या क्या मिलते हैं। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, वाओ पैरेलल दे रखा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पैरेलल गिवन है, तो बातें माइंड में आनी चाहिए क्या क्या। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा गिवन का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये गिवन है कि ये जो एक्स वाई वाली लाइन है इसने इस पूरे फिगर को दो इक्वल एरिया में क्या करा है, डिवाइड कर दिया है, डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया का मतलब क्या है कि कौन कौन से के एरिया इक्वल है हमारे, तो आप जरा ध्यान से देख लो कि किस किस का एरिया आपके पास ऑलरेडी इक्वल गिवन है। देखो अगर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या हमारे पास इक्वल है, तो ये वाला एरिया जो है वो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ होगा, लिख सकते हैं ना, तो हम इतना कुछ, क्योंकि देखो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की फिगर बन रही है, ट्रेपीजियम टाइप की, या ट्रेपीजियम का ट्राइंगल के साथ कोई रोल नहीं है, रोल किसका हो सकता है, ट्राइंगल टू ट्राइंगल का, तो मैं इसको इस पूरे बड़े वाले के फॉर्म में लिख लेता हूँ,
कि जो एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्या है, एक्स बी वाई है। बड़ा वाला जो ट्राइंगल का एरिया है वो छोटे वाले का क्या है, डबल है, ट्वाइस है। ये आपके पास गिवन है। चलिए, तो आपके पास ये भी पार्ट गिवन था। और टू फाइंड में क्या है कि रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन में ए बी, ए एक्स अपॉन में ए बी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। पहले जरा क्वेश्चन को फिगर में देखो यार कि ए एक्स और ए बी, ए एक्स और ए बी, ए एक्स इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल है ही नहीं, बट ए बी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई बात नहीं, कोई तो तरीका होगा जिससे ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखते हैं क्या तरीका है जिससे वो हमारा आ जाए, ए एक्स की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, गिवन में बोला है कि ये लाइन और ये लाइन बड़ी वाली क्या है, पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आप ये सोच के चलो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल को और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का मुझे रिलेशन पता है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी तो होने चाहिए पहले। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो एक चीज़ क्या है कि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी जो है वो कॉमन है। समझ आ गई होगी बात यहाँ तक। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बड़े और छोटे सिमिलर। सिमिलर हो गए तो उनके एरिया की रेशियो वाली बात ले लेंगे, सब कुछ करते चले जाएंगे, आगे कुछ चीज़ें होती रहेंगी। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक्स वाई पैरेलल टू अगर ए सी है, ये पार्ट हमें गिवन है। देखो तो कौन कौन से एंगल्स आप ले सकते हो वो पहले ही जरा देख लो एक बार, कि मैं इनके नेमिंग कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया। वो बड़े बड़े नाम लिखने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं एक काम कर लेता हूँ क्या, कि इसको वन दे देता हूँ, इसको टू दे देता हूँ, इसको वन और इसको टू। बड़े वाले ट्राइंगल को हम पहले रख लेते हैं और छोटे वाले को बाद में रखते हैं। तो वन इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसको आप इक्वेशन नंबर वन बना के बैठ जाओ, ठीक है, मदद मार कर देना। और दोनों के अंदर आपको ये पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर वन हो चुकी है। अब आती है क्या कि इन दो ट्राइंगल्स को हम पहले जरा क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंट सिमिलर कर लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। तो एक रीज़न तो वन इक्वल्स टू टू वाली बात लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, एक्स बी वाई। एक रीज़न आपका एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, इसमें आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। आप इतनी बात अपने वे में भी लिख सकते हो, बहुत इजी वे में, जैसे हम नाइन्थ में लिखते थे, सीधा रीज़न देते हैं एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, ब्रैकेट में रीज़न आता एक्स वाई पैरेलल टू ए सी और साथ में कॉमा दे के क्या आ जाता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और दूसरा क्या आ गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय डबल ए, अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ये बात आपको बहुत पहले से अच्छे से पता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ लिख लो कि एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा वो एरिया ऑफ एक्स बी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी कौन कौन सी होंगी, देखो आपको आपको, हाँ बिल्कुल, ए बी और एक्स बी जो हमारे लिए बड़ी यूजफुल हो, बिल्कुल ए बी और एक्स एक्स बी ले लेते हैं। और इसका रीज़न आ जाएगा बाई सी पी एस टी, इसको आप इक्वेशन नंबर टू बना के बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ तक का वर्क सबको समझ आ गया होगा कि इक्वेशन नंबर टू बना दिया, ठीक है। और इसका रीज़न क्या आएगा, नॉट बाई सी पी एस टी, बाय ए पी टी,
एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाली बात आएगी हमारी, क्योंकि एरिया की रेशियो दिखाई है ना मैंने यहाँ पे, तो ये दोनों मेरे पास क्या आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लिए हमने इसकी, यहाँ से पूरी बड़ी वाली साइड ए बी और इसका छोटा वाला पार्ट ले लिया सिर्फ एक्स बी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि गिवन का जो पहला पॉइंट था वो हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है। क्या यूज़ किया कि लाइंस पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसने मुझे हेल्प क्या करा ट्राइंगल्स को सिमिलर कराने में। ट्राइंगल्स सिमिलर तो उनके एरिया के रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है, बस ये बात समझ आ गई। अब उठाते हैं कौन सा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि दोनों के एरिया का, वो देख रहे हो रिलेशन क्या है, डबल हो रहा है। तो ये रिलेशन पहले हम उतार लेते हैं, क्या बोल के कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एरिया एक्स बी वाई, ये क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे। अब आप मुझे ये बताओ, देखो जरा ध्यान से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ से वर्क देखना पहले। सिमिलर तक तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो, इसमें ए बी सी ऊपर है एक्स बी वाई नीचे है, वहाँ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं क्या कि इधर भी वही काम कर देते हैं, एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया कितना एक्स बी वाई इक्वल्स टू टू बाई वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू बाई वन ही तो रहेगा। इसको एज इट इज रख लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू बना लेते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आप जरा ये बताओ कि दोनों के क्या कुछ पार्ट्स कट जाएंगे, दोनों ये एरिया एरिया पार्ट कैंसिल, क्या रिजल्ट बचा, ए बी अपॉन में एक्स बी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू बाई वन, टू बाई वन। अब अगर इसके स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो सिंप्लीफाई है, ये बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। सिंप्लीफाई ए बी बाय एक्स बी इक्वल्स टू रूट टू बाय वन आ जाएगा, यही तो होगा रूट टू बाय वन। अब आप ये देखो, आपको रेशियो लानी है ए एक्स और ए बी, ए एक्स और ए बी, ए एक्स और ए बी। ए बी वर्ड जो है तो सही बट कहाँ पर है, ऊपर है, कहाँ है तो सही बट ऊपर है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, अभी अभी नहीं, अभी कोई इक्वल नहीं करा है। आपको मैंने बीपीटी वाली थ्योरम के स्टार्टिंग में बताई थी कि रेशियो अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो क्या कर दो, पहले करो रेसिप्रोकल, फिर वन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका वो आंसर आ जाया करता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल, क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या आंसर आएगा कि एक्स भी ऊपर हो गया और ए भी नीचे हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो कि रेसिप्रोकल क्यों करा है, तो जरा आप है ना अपने आंसर जो आपको लाना है उसको सोचो कि ए बी नीचे है और यहाँ पे ए बी क्या है, ऊपर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मैं ला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे ए बी नीचे चाहिए तो मैंने सीधा सा देखा यार क्या कर दूँ, यहाँ पर उल्टा कर दूँ। उल्टा मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, सिंपल सी बात। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स बी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू वन बाई रूट टू आ गया। अब क्या करना है आपने कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट बोथ, ठीक है, फ्रॉम वन। क्या करना है, दोनों को वन से माइनस करना है, वन से, फ्रॉम वन वर्ड बोला है मैंने, यानी वन में से माइनस करना है। तो वन माइनस एक्स बी अपॉन में ए बी और 1 माइनस वन बाई रूट टू, ये हमने पता है कहाँ सीखा था, ये हमने यूक्लिड में सीखा था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, ये सारी बातें हैं। अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा कि ए बी और इधर आ गया ए बी माइनस का एक्स बी और इधर कितना आएगा रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, यही तो आएगा। अब आप एक चीज़ देखो कि पूरी फिगर ए बी में से अगर मैं एक्स भी हटा दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, आ गया हमारा आंसर। अगर शायद नीचे का नहीं दिख रहा हो बच्चों को, समझने की कोशिश कर लेना, मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगा। ए एक्स आ गया और मुझे ए एक्स ही चाहिए था और नीचे कितना ए बी है और आंसर आया रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। बट अब आप हो टेंथ क्लास के बच्चे तो आप जो है इतना मानते हो यार कि हम तो परफेक्ट है रैशनलाइजिंग में, हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है,
बच्चे तो जिन्हें रैशनलाइज नहीं भी करना उसको भी कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या रूट टू, इसके बाद आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत ईजिली। तो हम इसको एक फाइनल टच दे देते हैं रैशनलाइज करके, अपना एक फाइनल आंसर ले आते हैं, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी बच्चे खुद अपना नीचे कर लें वहाँ पर। तो कुछ नहीं करना, ए एक्स बाय ए बी, और मुझे रैशनलाइज करना है क्योंकि रूट टू माइनस वन रूट टू, इधर रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स बाय ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टू माइनस रूट टू अपॉन में टू। तो आपका यही आंसर आ रहा है क्या, टू माइनस रूट टू अपॉन में टू, यही आंसर है। मेन क्या होता है, डिनोमिनेटर से रैशनल नंबर को रिमूव करना रैशनलाइजिंग कहलाता है हमारा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से है ना फिंगर पे याद कर सकते हो। पहले क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, सिमिलर है तो एरिया की रेशियो वाली बात लिख दी। उसके बाद दूसरा पॉइंट उठाया, उससे वो वैल्यू पुट कर दो, चाहे इक्वेशन बना के कंपेयर कर लो, आपका आंसर ये आ गया। फिर रेसिप्रोकल और वन से माइनस कराना है और रैशनलाइजिंग करना है। पांच स्टेप में क्वेश्चन होता है, चार नंबर से नीचे का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और आपका चार का आएगा नहीं, मतलब पाँच में आने के चांसेस होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है फाइव स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था और कंप्लीट हमारा।